आप लोगों का स्वागत है राजन ब्लॉग्स के एक और नए एपिसोड में। ठीक है, मैं हूं अभी धोलास देहरादून में, और अभी आप लोगों को पहले इस छोटे से वीडियो में दिखा देता हूं आज की हमारा जो घर है देहरादून वाला वो कितना बन गया है अभी, क्योंकि मैंने लगभग 4-5 दिन पहले यहां का वीडियो बनाया था, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि घर कितना बन गया है। अभी एक बार आज का लेटेस्ट अपडेट ले लो, क्योंकि मैं यहाँ से आज जा रहा हूँ डेली, और यहाँ पर ना 3 प्लॉट्स अवेलेबल हैं इसी सोसाइटी में, तो आप लोगों को वो भी दिखा दूँगा और क्या रेट है वो बता दूँगा। तो पहले आप ये घर देख लो हमारा। ठीक है जी, देखो बाहर का प्लास्टर हो गया है, तो अब कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, है ना, मज़ेदार। पेंट वेंट होगा तो बढ़िया लगेगा, अभी साइड का प्लास्टर रहता है। चलो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। इस साइड से भी देख लो पहले, ये देखो जी यहाँ भी प्लास्टर हो गया पूरा इस वॉल पे, तो ये पूरा ऐसे करके लुक आ रहा है अब इसका। चलो पीछे का जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि एक सर्वेंट रूम बना रहे हैं हम लोग, तो वो भी बन गया है, अभी दिखाता हूँ उसका भी। देखो ये भी पूरा यहाँ पर प्लास्टर हो गया, और ये देखो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना, ये स्पॉट्स देख रहे हो ना, यहाँ पे इनमें लगेगी लाइट्स, और ऊपर भी यहाँ पे लाइट लगेगी, तो ये उसके मैंने प्रोविज़न छुड़वाया है लाइट का। और इस तरफ भी यहाँ दीवार पे लाइट आएगी, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये देखो बाहर का यहाँ पर हो गया, यहाँ पर लगनी है टीन शेड, ठीक है, उसका भी काम चलेगा। और यहाँ पर अभी ये लगना बाकी है, इसको कहते हैं खपरेल वाला डिज़ाइन है, खपरेल। पहले अंदर से दिखा देता हूँ, फिर बाहर का दिखाऊँगा आपको। ये देखो जी यहाँ पे पुट्टी का काम चल रहा है, अब थोड़ा ये चेयर दिख रही है, कैंपिंग वाली चेयर है, मैं इसी पर बैठ जाता हूँ यहाँ पे। तो पुट्टी का काम चल रहा है, और हमारे टाइल वाले अरुण भैया यहाँ पे टाइल लगा रहे हैं, ऊपर ग्रेनाइट लग रहा है, ये सिंक भी यहाँ पे फिट हो गई है अभी। और यहाँ पे चल रहा है पीवीसी कह रहा हूँ, ये क्या कहते हैं इसको, फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। देखो जी डिज़ाइन बन रहा है इसमें, तो वायरिंग भी हो रही है, वायर में ले आया था जब मैं वहाँ से सुरकंडा देवी टेंपल से आया था। चलो ये यहाँ पे भी होनी है अभी ना फॉल सीलिंग इस वाली छत पे भी, अब दिखाते हैं ऊपर। जो मैं पाइप्स लेके आया था ना, वो पाइप्स भी यहाँ पर फिट हो गए हैं। ये देखो जी ये वो वाले पाइप्स थे जो मैं लेके आया था जब मैं दिल्ली से आया था, तो इसके ऊपर हम लोग अपना रखने वाले हैं टैंक। तो ये ऐसे पास रखे गए हैं, देखो ऐसे, तो बीच में इसमें लगभग 6 इंच का गैप, पूरा 6 इंच भी नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा दीवार से टच करके टैंक इसके ऊपर आ जाएगा, और पाइप्स यहाँ से आएंगे पीछे से। ये आपको ऊपर से दिखाता हूँ, पीछे से शाम का नज़ारा देख लो एक बार, बादल देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं, और वो पूरा मसूरी वहाँ पर। ये देखो जी ये बन गया है जी हमारे खुशीराम जी का रूम। तो पहले तो ये विचार था कि इसको पूरा ऐसे बना दें सीधा, पर फिर बाद में सोचा कि ये वाला स्पेस थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, उससे क्या होगा कि इन केस अगर उनको यहाँ पे बेड अपना ऐसे लगाना हो एक सिंगल, तो बेड यहाँ पे लग जाए और ये स्पेस खाना वाना बनाने के लिए यूज़ हो जाए यहाँ पर। और ये गेट है यहाँ पर, और ये सामने बना दिया उनका वॉशरूम एक, तो वॉशरूम का साइज़ भी अच्छा खासा है, ये 4x6 का वॉशरूम बन जाएगा। और ये जो है ये है ऐसे ऐसे, ये लगभग 10 फीट है, नहीं ऐसे ये 10 फीट है, और ऐसे ये 8-8.5 फीट है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया है यहाँ पे। ठीक है जी, ये कॉर्नर पूरा कवर कर दिया हमने, इसके ऊपर छत डलेगी, वो भी टीन शेड की छत डलेगी, वो भी हमारे लोहे वाले भाई साहब आए थे अभी फैब्रिकेटर, तो दोनों छतों का साइज़ ले गए हैं। ये है जी अभी तक का अपडेट, काफ़ी काम हो चुका है, मैं यहीं पे था लगभग 5-6 दिनों से, तो इन 5-6 दिनों में काफ़ी काम हुआ है। अब क्या होना है ना, अब यहाँ पे ये पूरा लेवल होगा इसका फर्श का, यहाँ पे फिर वो रोड़े डलेंगे ऐसे, ईंट वाले रोड़े जो आते हैं ना वो पूरे कुटेंगे यहाँ पे, और ऐसे बीच में यहाँ पे गार्डन का स्पेस बनेगा, और यहाँ से ये पूरा ऐसे नीचे तक पक्का होगा यहाँ पर, तो यहाँ ये पूरा पार्किंग स्पेस बन जाएगा, और इस तरफ भी यहाँ पर थोड़ा पक्का होगा। खुशीराम जी आ गए चाय लेके। खुशीराम जी बड़े स्माइल देखी इनकी, ये यहीं पे रहते हैं, नेपाल से हैं वैसे ये, ऐसे करो हाय हेलो करो, करो हाय हेलो, हाय हेलो। चलो चाय पी लेता हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा। ऐसे ना वाटर स्टोरेज का टैंक बनाना पड़ता है यहाँ पे, ये 5000 लीटर का टैंक है, कि हमने यहाँ पे ना पानी का कनेक्शन अभी लिया नहीं है, पानी यहाँ पर टैंकर से आता है, 500 रुपये का टैंकर मिलता है, वो यहाँ इसको भर के चला जाता है, 3000 लीटर का टैंकर होता है वो।
तो अभी क्या है वैसे ना, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ही चल रहा है काम। और ये बाहर ये जो छोड़ा हुआ है ना स्पेस, इन पे टाइल लगनी है। उस पे भी देखो रफ कर दिया, अभी इस पे प्लास्टर होकर रफ हो जाएगा। इस पे टाइल्स लगनी है अभी दोनों पिलर्स पे, और बाकी अंदर टाइल का काम फिनिश हो जाएगा। और ये बाहर यहाँ भी टाइल लगेंगी, और गार्डन स्पेस जो भी होना है वो मैंने बताई दिया आपको। तो मैं आपको बता रहा था ना कि सोसाइटी में 3 प्लॉट्स अवेलेबल हैं रीसेल के लिए। तो सबसे पहले तो बता दूं आपको कि उत्तराखंड से जो भी बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे लगभग 300 गज 298 गज के आसपास जगह एक रजिस्ट्री के नाम पे करा सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा लैंड लेनी है तो आप लोग घर के 2 सदस्य 3 सदस्य मिल के 300 गज 400 500 गज उस हिसाब से 1000 गज तक अपने नाम करा सकते हो। तो ये तो एक बात होगी, ये नॉर्मल। और दूसरा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैंने भाई क्या रेट पे लिया था। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर लिया था मार्च में, तो उस टाइम पे लगभग हमें 16,000 रुपये गज के आसपास का पड़ गया था, ठीक है। तो अभी जो रेट हैं वो यहाँ के बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो पूरी लैंड है, जितने इसमें प्लॉट्स हैं, ये सब R3 रेजिडेंशियल अप्रूव्ड हो गया है। तो उससे क्या है कि अब यहाँ पे आवासीय घर की हम लोग अपनी पूरी तरह से बना सकते हैं। दूसरा, सामने सनसेट हो रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से। सनसेट यहाँ से होता है और चांद इस पहाड़ के पीछे से निकलता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो मैं आपको बता रहा था ना कौन से प्लॉट अवेलेबल हैं। एक तो यही प्लॉट है जी, ये इसका साइज़ है 21 फीट का फ्रंट है। ये आप लाइन देख रहे हो ऐसे 21x लगभग 70 फीट के आसपास गहराई है इसकी। तो ये एक साइज़ इसमें बचा हुआ है प्लॉट का, और इसका प्राइस लगभग 20,000 रुपये के आसपास है। बाकी ऑन टेबल जो भी नेगोशिएशन होगा वो आपका ऑनर के साथ होगा, जिसके नाम भी रजिस्ट्री है, ठीक है। और दो प्लॉट हैं, एक तो बिल्कुल सामने फ्रंट में बाउंड्री वॉल के साथ है जो 900 गज का है, और एक इस तरफ है वो 500 गज का है। तो मैं अपनी सोसाइटी का ही आपको बता रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे तीन, एक और प्लॉट है जो बीच में ही आप उठा हुआ देख रहे हैं ना, ये हाइट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक नाला है बीच में छोटा सा, ये यहाँ पे इस नाले के साथ यहाँ पे एक 200 गज का अवेलेबल है, 207 गज का। उसका प्राइस है 22,000 रुपये गज के आसपास। और जो मेन रोड से लगता है जो कमर्शियल है वो 25,000 रुपये गज है, और इस तरफ वाला वो भी 22,000 रुपये गज है जो 500 गज का है, ठीक है जी। तो ये 22, 25, 20 ये वाले रेट हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये R3 अप्रूव्ड होगी ये लैंड। और जितने भी जिन लोगों के यहाँ पे ये प्लॉट्स हैं वो बहुत अच्छे, मतलब जेंट्री हैं सब लोग, कोई आर्मी से हैं, कोई डिफेंस के इसी तरह से लोग हैं सभी। वैसे मैं यहाँ बीच में फंसा हूँ देखो जी, हमारा घर ऐसे छोटा सा अब अच्छा लगने लगा है जब से प्लास्टर हुआ है ना, तो पहले से काफ़ी अच्छा लुक आ गया इसका। और कोई जी क्वेरी हो आपकी तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, छोटा वीडियो बनाया आपके लिए। हाँ, और जिससे आपको बात करनी है ना इस प्रॉपर्टी के बारे में या प्लॉट्स के रिगार्डिंग, या मीटिंग करनी हो, आके मिलना हो, तो मैं हुआ तो मैं तो मिल ही लूँगा आप लोगों को यहाँ से। तो राजेश जी हैं, कि उनका नंबर मेंशन कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लीजिएगा, बात कर लीजिएगा उनसे, वो आपको गाइड कर देंगे यहाँ के बारे में जो भी होगा, ठीक है जी। और कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी काफ़ी अच्छा है। तो अब हमारा माने तो जैसे हमने बनाने में भी पैसे लगाए हैं, तो और कुछ साल बाद अगर सोचे तो काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन हमें अभी भी हो गया है, और आगे चल के भी होगा ही, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आसपास भी घर बन रहे हैं, और रहने के हिसाब से और हवा पानी तो बहुत अच्छा है ही है। अभी टाइम हो गया 6:35, मैं निकलूँगा यहाँ से दिल्ली के लिए, रात को लगभग 12 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। फिर मैं 3-4 दिन बाद फिर दोबारा से आना है, अभी घर पर कुछ काम था और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, गला काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो दवाई लेके थोड़ा आराम करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आराम हो नहीं पाता, दिन भर ये लगा रह जाता हूँ उनके साथ, ठीक है जी। चलो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी सब कुछ ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा जो पूछना हो। बाय।